ओला से निकल रहे हैं अभी, और ये है भगवान परशुराम चौक, और यहाँ से टर्न लेंगे और ये सीधा जाएगी शिमला हाईवे की तरफ। यहाँ से बस टर्न लेके तो चलो आगे मिलते हैं हाईवे पर। तो अभी रिफिल करवाते हैं, कल भी पेट्रोल नहीं डलवाया था। फुल करना फुल करना है, रुक जा। बस 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 तो बहुत खूबसूरत हाईवे है यार ये, चंडीगढ़ टू शिमला। और ये फर्स्ट टोल आ चुका है, पिंजौर यहाँ से 7 किलोमीटर है, और साइड में सूर्य देवता भी निकल रहे हैं वो सब। बहुत अच्छी लाइट दिखाई दे रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। बादलों के बीच से सूर्य निकलता हुआ, और सामने पहाड़ भी हैं अभी दिखाई दे रहे हैं जो। तो अभी जा रहा हूँ मैं सोलन की तरफ, सोलन यहाँ से कोई 40 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, और ये गेट बना हुआ है हिमाचल में एंट्री का। अभी तक मैं हरियाणा में था, बहुत खूबसूरत रोड है और काफ़ी रास्ता कवर कर लिया है, लगभग 20 किलोमीटर आ चुके हैं। मेरे
लेफ्ट साइड में है रेलवे लाइन और आगे टनल भी है उसकी काफ़ी सारी, ऊपर टनल है। एक बार व्यू देखो यार, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। एक टनल सामने है, तो सोलन पहुंच चुके हैं अभी, बस यहाँ चाय वगैरह पियेंगे, रुकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद आगे निकलेंगे शिमला के लिए। तो कंडा घाट पहुंच चुके हैं और अभी बाइक खड़ी की है बस, अभी यहाँ चाय वगैरह पीते हैं फिर आगे निकलेंगे। अभी एक बार व्यू दिखाता हूँ यहाँ कैसा है। तो ये व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू है, नीचे होटल बना हुआ है वो, और यहाँ काफ़ी ठंडक भी है पर अभी धूप नहीं निकली, पीछे थोड़ी बारिश भी आ गई थी पर आगे आ गए। अब सोलन के पास थे जब बारिश आने लगी थी, तो देखो एक बार व्यू, बहुत अच्छा व्यू है और यहाँ सामने से सूरज निकल रहा है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो चलो चाय पीते हैं, उसके बाद बाइक पे मिलता हूँ फिर। ये आ गई हमारी चाय, अभी चाय पीते हैं और तो फिर आगे निकलते हैं। भेज दे बेटे पहला तेरा यूज। तो अभी चलते हैं आगे, तारा देवी टेंपल की तरफ जाएंगे और एक बार व्यू देख लो दोबारा से। वो सामने से रोड आ रही है, वहाँ से नीचे की तरफ से आए हैं और ऊपर वो वहाँ से जाना है, ऊपर हाइट काफ़ी ज़्यादा है। चलो आगे मिलते हैं, बाइक पर मिलता हूँ। अभी टर्न लेंगे तारा देवी मंदिर की तरफ, सीधा जाएगा रोड शिमला 12 किलोमीटर, और तारा देवी टेंपल जो है लेफ्ट साइड में है 7 किलोमीटर। हाइट थोड़ी ज़्यादा है पर चलो देखते हैं। यहाँ से एक टर्न है तारा देवी टेम्पल 2.5 किलोमीटर, इधर मुड़ेंगे और मंदिर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से मुझे लगता है कि लगातार हाइट है और रोड भी है, सिंगल ही है। पर रास्ता बहुत खूबसूरत है यार, पतली सी सड़क है, पेड़ पौधे हैं अच्छे। पर बाइक यहाँ चढ़ नहीं रही क्योंकि दो लोग बैठे हैं पीछे। तो तारा देवी मंदिर की
पार्किंग तक पहुंच गए हैं। ये सामने पार्किंग है और बाइक को हम ऊपर लेके जाएंगे अभी मंदिर की तरफ ही। ये इधर मंदिर है, काफी ज्यादा हाइट पे आ गए। तो ये है व्यू माता तारा देवी टेंपल के ऊपर से, बहुत ज़्यादा हाइट पे आए हैं और बाइक मुश्किल से चढ़ाई, बहुत ज़्यादा फर्स्ट गियर में लेके आए हूँ। और ये इधर सीढ़ियाँ हैं, अभी जाएंगे ऊपर मंदिर की तरफ, अभी मंदिर में लेके चलते हैं। ये रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ भी हैं और वैसे भी चढ़ सकते हो। और एक गेट ये है मंदिर का, सामने मंदिर। और ये है मेन टेंपल माता तारा देवी। ये है टेंपल के बाहर से व्यू, अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा। अभी बस माता तारा देवी टेंपल से नीचे की तरफ जा रहे हैं और अभी जाएंगे शिमला जाखू टेंपल और उसके बाद आगे निकलेंगे। तो चलो आगे बाइक पे मिलता हूँ, एक बार व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, बहुत ज़्यादा हाइट पर है ये। तो अभी तारा देवी टेंपल से निकल रहे हैं और जाखू टेंपल शिमला जाएंगे। एकदम काफ़ी उतराई है, 2.5 किलोमीटर, अगे रहो ठीक आ जाएगी। तो चलो बस अब मैं नीचे उतर के ही मिलता हूँ। तो ये है गेट, यहाँ से एंट्री ली थी 2.5 किलोमीटर और अब जाएंगे सीधा। पहले हम पीछे की तरफ से आए थे और यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे जाखू टेंपल। छोटा शिमला पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ, लगातार फर्स्ट गियर में बाइक चढ़ाई है और अभी जाखू टेंपल की तरफ जा रहे हैं।